तेजो फतेह के मिलन के बीच बाबा ने दी बड़ी चेतावनी। किस बड़ी मुसीबत की बात कर रहे हैं बाबा, क्या करने वाली है अब जैस्मिन। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। उड़ारिया में आप जबरदस्त ट्विस्ट देख रहे हैं, जहां पर तेजो और फतेह के फैंस इस बात को लेकर बहुत खुश हो गए हैं कि फाइनली तेजो और फतेह एक हो गए हैं। तेजो ने फतेह को माफ कर दिया, तेजो को पता चल गया कि फतेह बिल्कुल निर्दोष है और फतेह तो उससे बहुत प्यार करता है। तो बस एक हादसे के दौरान जहाँ पर फतेह को बहुत तेज चोट लगती है, बिल्डिंग गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर फतेह को तेजो जो है वो बचा लेती है और कह देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, गले लगा लेती है। तो वहीं पर फतेह भी बहुत इमोशनल हो जाता है, दोनों गले लगते हैं कि इसी बीच यहाँ पर आ जाते हैं ये बाबा। यहाँ पर ये बाबा जब आते हैं तो बाबा बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं तेजो और फतेह को और कहते हैं अपने रिश्ते को इसी तरीके से मजबूत बनाए रखना, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। एक बड़ी मुसीबत पहाड़ की तरह खड़ी है तुम लोगों के सामने। ये सुनने के बाद तेजो और फतेह बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं से फतेह जो है वो समझ रहा है कि किसके लिए बोला जा रहा है। तो वहीं पर तेजो भी समझ चुकी है कि जैस्मिन को लेकर एक बात बोली जा रही है, ये सारी चीजें जो है वो जैस्मिन को लेकर कही जा रही है। तो इसी बीच आपको बता दें एक और शख्स की एंट्री हो चुकी है, एक और विलेन जो है उड़ारिया में देखने को मिल रहा है, जो सिमरन से बात करता नजर आता है। जी हाँ, सिमरन से वो बात करता है। जिसे सुनने के बाद सिमरन एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सिमरन को ये शख्स फोन करता है और कहता है कि कैसा है बच्चा, जिसके बाद सिमरन पूछती है कि आप कौन हैं। यहाँ पर जो शख्स है उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई है, तो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि एक साथ एक बार फिर से फतेह और तेजो की जिंदगी में प्रॉब्लम होने वाली है। तो वहीं पर आप देखेंगे ये मोन्टाज भी बहुत कुछ कहता नजर आ रहा है। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर तेजो और फतेह बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को देख रही हैं। तेजो के मन में भी बहुत सारी बातें हैं जो कि वो फतेह से कहना चाहती है। तो वहीं पर आप देख सकते हैं इधर खिड़की से नजर आती है जैस्मिन। इस मोन्टाज को देखने के बाद एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जो जैस्मिन है फिर से हरकत करने वाली है, और आप सबको तो पता ही है कि वो किसी भी हालत में जो है वो हार नहीं मानने वाली है। तो वहीं पर फतेह जो है वो और भी चीजें जो है वो जैस्मिन को लेकर पता करने वाला है। यहीं पर स्वीटी कैसे कर रही है जैस्मिन की मदद, ये बात भी फतेह के सामने आएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्वीटी को भी रंगे हाथों पकड़ेगा फतेह। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तान्या की भी एंट्री होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इन सबके साथ ही साथ ये जो प्रोमो आ गया है, ये जो नया प्रोमो है जिसमें बाबा जी एक चेतावनी देते नजर आ रहे हैं, हालांकि बहुत आशीर्वाद वो दे रहे हैं कि अपने रिश्ते को यूं ही मजबूत बनाए रखना, कोई प्रॉब्लम भी आए दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना, क्योंकि मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होने वाला है। मुसीबतों का पहाड़ कौन सा है, ये सुनने के बाद फतेह और तेजो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जाहिर तौर पर दोनों इस बात पर अब डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मुसीबत कौन होगी। साथ ही तेजो और फतेह किस तरीके से जैस्मिन का सारा गेम ओवर करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें आने वाली है। लेकिन इन सब के साथ एक प्लस पॉइंट है और वो ये कि तेजो और फतेह एक हो चुके हैं। आप 28 और 29 तारीख को देखने वाले हैं, जो कि जुलाई में आने वाला है, 28 और 29 जुलाई को, जिसमें आप देखेंगे कि फतेह और तेजो एक होंगे। साथ ही साथ बाबा जो है एक वार्निंग देते हैं, एक चेतावनी देते हैं कि मुसीबतों का पहाड़ भी आ जाए तो भी तुम्हें साथ रहना है। अब देखते हैं इस मुसीबत के पहाड़ यानी कि जैस्मिन से कैसे निपटते हैं तेजो फतेह और ये नया शख्स जो आया है, जिसकी नई एंट्री हुई है, ये कौन है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा उड़ारिया का लेटेस्ट ट्रैक। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।